तो ये नए शेफ आ गए हैं आज किचन में और बना रहे हैं गोभी आलू। गोभी आलू तो इससे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और ये कह रही ठुसम ठुस भरा हुआ है हर जगह। या तो ये कितनी जल्दी काम करके आ रही है बच्ची, कितनी हुनरबाज है ये। ऐसे बच्चे ना दुनिया में बहुत कम पैदा। तो ये ब्लॉग मेरा यही एंड होता है। प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और ना 11:30 होने वाले हैं। बदतमीजी नहीं करनी है आपको, ठीक है? क्योंकि इनका पता नहीं बच्चों का आजकल ना ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। और मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, सारा काम खुद कर लिया इसने। इसको मैंने स्माइली दी, वेरी गुड दिया। ये तो क्या हो आप? क्या बोल रहे थे? क्या वो हीरो? क्या हीरो? हीरो हाँ। कहाँ के? तो ये हीरो इंडिया के, इंडिया के हीरो हैं। ये सुपर स्टार है। और मुझे सुबह से ठंड लग रही है, मैंने तो ये टोपा लगा लिया। और आज मुझे अपने वास्तु शास्त्र के पास भी जाना है, उन्होंने बुला लिया है। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। मुझे उनका काम करके देना है जो मैंने छोटे से कंटेंट राइटिंग का काम चालू किया है, मतलब सिर्फ उनके लिए। अभी अब देखूंगी उन्हें काम पसंद आता है यानी, जब वो हमारा काम करेंगे अदरवाइज तो वो पैसे चार्ज करेंगे लेने के लिए। क्या बाबू? हाँ, और मेरे बाबू सो रहा है। प्रिया जो है वो कपड़े डाल के आएगी ऊपर। देखो ये मैंने ना टीवी बंद नहीं करके गई, ये नहला दिया मैंने इसे आज ना 4 दिन बाद। इसे भी 3-4 दिन हो गए। आ देखो कितनी गोरी नजर आ रही है नहा दोगे। पूरे फेस पे ना मट्टी मट्टी जमा ली थी इसने बिना नहाए, है ना बच्चों? इसकी राइटिंग देखो कितनी प्यारी है, एकदम अच्छा लिखा इसने, आईज और नोज। और मैंने खाना ना सुबह ही बना लिया था, दाल चावल। ये आज ना सोफा हमने वहां रख दिया है, इसको मैं स्माइली और ये दे रही हूँ। मार्क्स तो दे दो कम से कम। मार्क्स भी दे दो, 20 out of 20, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है। इसकी हालत इन्होंने इतनी बिगाड़ दी कि इसे यहाँ टांगना पड़ गया, क्योंकि ना नीचे ना ये इसको भी फाड़ देंगे। अभी कवर चेंज होके आया है और यहाँ पर भाई देखो मेरे को 2 का टेबल भी आता है। हाँ, 2 का टेबल भी आता है। सही से बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, ऐसी नहीं। तो इसकी हालत बिगाड़ देते, इसलिए हमने एक खंबे की तरह यहाँ टांग दिया, वरना इसको भी बैंड बजा देते। मैं मुंह छुपा लूंगा, एक बार देख तो सही कैसे लग रही हूँ मैं, बता। चश्मे इसे देखो, ये क्या क्रिसमस बन रही है। तो आज ये बना रही है खाना। तो ये नए शेफ आ गए हैं आज किचन में और बना रहे हैं गोभी आलू। गोभी आलू तो इससे पहले गुड्डे की तरह बन गए थे। और अभी देखो इन्होंने, मैंने कहा जरा से आलू आपने ज्यादा काट दिए, पर चलो कोई बात नहीं, सब्जी टेस्टी बनी तो ये सब हमारे जाएंगे पेट के अंदर। पता है इन्हें पेट के अंदर। तो क्या बना रहा है तू? मैं आलू गोभी बना रही हूँ आज। चाची की रसोई में पहली बार मैं कोई सब्जी बनाने जा रही हूँ। पहले नहीं बनाया कभी? मैं लोनी में तो बना देखती हूँ, फिर यहाँ। अभी हमारे थोड़े से कपड़े धुले बाकी है जो धुल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मशीन खराब हो गई थी और तो थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ, ये रह गए बस। प्रिया दीदी ऊपर चली गई है मोर्चा संभालने के लिए। ऊपर झाड़ू मारेगी क्या तू? वो आ जा, अभी बाद में कर लियो वो। हम सामान जब वापस भेजेंगे ना कल तेरे चाचा को स्कूटी पे, क्योंकि ऊपर सामान बहुत ज्यादा रखा हुआ है। ये थोड़ा सा ना मेरे कपड़े धुल जाए, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। नीचे आ जा बस, ये सुखा दे, कि सारा दिन फिर पूरा काम में लग जाता है और कुछ होता नहीं। आदमी थक और जाता है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी ठंड उतनी कम नहीं हुई है। और ये कपड़े उतार के लाइए जो सूख गए, अब इनको भी भरना है। और जब से ठंड आई है ना हमारा घर ठुसम ठुस भरा हुआ है हर जगह। या तो ये कितनी जल्दी काम करके आ रही है बच्ची, कितनी हुनरबाज है ये। ऐसे बच्चे ना दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, गॉड गिफ्ट है ये, वेरी गुड। मेरा बाबू बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा लाल। अभी चेक करती हूँ बाबू। तो हर जगह ये ही लगे हुए, मैं ये दिखा रही थी अपने घर में ना, सब जगह पैक सा हो रखा है। ये कुर्सी यहाँ रख दी है बाबू की वजह से, उस कमरे में है ना, तो उस पर ही चढ़ के खेलता रहेगा, और कोई काम है नहीं उसे। और मुझे ना ये भी चेंज करनी है, देखो इसका क्या नंबर आता है, कब संडे जाके देखती हूँ या तो कल, क्योंकि अभी तो प्रिया भी घर आई हुई है, मैं जा सकती हूँ। और आज थोड़ी मेरी तबीयत और ज्यादा सही है, तो
क्योंकि मैंने दवाई मंगा के खाई, अब मुझे ठीक फील हो रहा है। और अब मैं थोड़ा सा ना 12 बजे तो मुझे जाना है कहीं, जहाँ मैं बता के आई हूँ, उसके बाद ही आराम कर पाऊंगी दोपहर को। अभी हमारे थोड़े से कपड़े धुले बाकी है जो धुल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मशीन ख़राब हो गई थी और उसका थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ, ये रह गए बस। प्रिया दीदी ऊपर चली गई है मोर्चा संभालने के लिए। ऊपर झाड़ू मारेगी क्या तू? वो आ जा अभी बाद में कर लियो, वो हम सामान जब वापस भेजेंगे ना कल तेरे चाचा को स्कूटी पे, क्योंकि ऊपर सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। ये थोड़ा सा ना मेरे कपड़े धुल जाए उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। नीचे आ जा बस ये सुखा दे, कि सारा दिन फिर पूरा काम में लग जाता है और कुछ होता नहीं, आदमी थक और जाता है। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी ठंड उतनी कम नहीं हुई है। और ये कपड़े उतार के लाइए जो सूख गए, अब इनको भी भरना है। और जब से ठंड आई है ना हमारा घर ठुसम ठुस भरा हुआ है हर जगह। या तो ये कितनी जल्दी काम करके आ रही है बच्ची, कितनी हुनरबाज है ये। ऐसे बच्चे ना दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, गॉड गिफ्ट है ये। वेरी गुड, मेरा बाबू बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा लाल। अभी चेक करती हूँ बाबू, तो हर जगह ये ही लगे हुए। मैं ये दिखा रही थी अपने घर में ना, सब जगह पैक सा हो रखा है। ये कुर्सी यहाँ रख दी है बाबू की वजह से, उस कमरे में है ना, तो उस पर ही चढ़ के खेलता रहेगा और कोई काम है नहीं उसे। और मुझे ना ये भी चेंज करनी है, देखो इसका क्या नंबर आता है, कब संडे जाके देखती हूँ या तो कल, क्योंकि अभी तो प्रिया भी घर आई हुई है, मैं जा सकती हूँ। और आज थोड़ी मेरी तबीयत और ज़्यादा सही है टचवुड, क्योंकि मैंने दवाई मंगा के खाई, अब मुझे ठीक फील हो रहा है। और अब मैं थोड़ा सा ना 12 बजे तो मुझे जाना है कहीं, जहाँ मैं बता के आई हूँ, उसके बाद ही आराम कर पाऊंगी दोपहर को। तो ये ब्लॉग मेरा यहीं एंड होता है। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। और गाजर के हलवे का ब्लॉग आ रहा है नेक्स्ट, उसे ज़रूर देखना। टाटा बाय बाय।